हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। फाइनली आज आ गई है मोस्ट अवेटेड FPS के ऊपर वीडियो। हर वीडियो में भाई आपने यही कमेंट भर के रखा है कि आपके इतने FPS कहां से आते हैं। अभी आप जब भी गेम प्ले देखते हो आपको लगता होगा कि इसके 150 FPS, 180 FPS, 200 FPS कैसे आ जाते हैं। अभी जो बैकग्राउंड में गेम प्ले चल रहा है उसमें भी आप देख सकते हो कॉन्स्टेंट 200 के ऊपर FPS आ रहा है, तो वो कैसे आ रहा है। और ये मैं ब्लू स्टैक में खेल रहा हूँ और ब्लू स्टैक में 90 के ऊपर FPS नहीं आते, तो मेरे 200 FPS कैसे आ रहे हैं, वो मैंने क्या सेटिंग करके रखी है तो मेरे इतने FPS मेरे को मिल रहे हैं। इन सब का आंसर मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो फुल वीडियो देखना। ब्लू स्टैक की सेटिंग, विंडोज की सेटिंग, सब सेटिंग मैं बताने वाला हूँ, इससे आप 200+ FPS मिलने वाला है। तो हर वीडियो की तरह मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में आप कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। फर्स्ट, इम्यूनिटर सेटिंग फॉर हाई FPS। सेकेंड, विंडोज सेटिंग फॉर हाई FPS। थर्ड, ग्राफिक्स कार्ड सेटिंग फॉर हाई FPS। और फोर्थ है एडवांटेजेस ऑफ हाई FPS। हाई FPS तो हम ला देंगे पर उसका फायदा क्या है, क्या होता है उससे, अगर हाई FPS अगर मेरे को 200 FPS मिल रही है तो उससे कोई फायदा होगा या नहीं होगा। एंड फिफ्थ पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे टॉप 3 क्वेश्चन फ्रॉम लास्ट वीडियो। और हाँ, जो इस वीडियो में मैं सेटिंग बताने वाला हूँ वो उनके लिए जिनके पहले से अच्छे FPS आते हैं, मतलब 60-70 FPS आते हैं और उनको 100 के ऊपर FPS चाहिए, जिनके पास अच्छा ग्राफिक्स कार्ड है ठीक ठाक सा, ठीक है, उसके लिए ज़्यादा सेटिंग मैटर करेगी। अगर आपका लो एंड PC है जिसमें 30-40 FPS आता है तो उसमें कुछ और सेटिंग भी आपको करनी पड़ेगी इसके साथ साथ। तो अगर आपको वो वाला वीडियो चाहिए लो एंड PC के लिए FPS इंक्रीज करने के लिए तो मुझे कमेंट में बता देना। अगर ज़्यादा कमेंट आती है तो मैं लो FPS वाला भी वीडियो बना दूंगा कि लो FPS से हाई FPS कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो बना किसी देरी के। तो यहाँ पर आ गए हम लोग ब्लू स्टैक 5 पे और आपको मैं सेटिंग बता देता हूँ हाई FPS के लिए कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आपको जाना है ग्राफिक्स में, और ग्राफिक्स में आपको मेक श्योर करना कि GPU नहीं यूज़ में आप यहाँ पे टिक किया हुआ है, आपका जो भी GPU उसका नाम लिखा होगा और उसको ऊपर टिक लगा होगा। उसके बाद आपको ऊपर जाना है इंटरफेस रेंडरर पे और आपको OpenGL या फिर डायरेक्ट एस चूज़ करना है। एक बार OpenGL चूज़ करना और उसके बाद गेम खेलना और देखना कितने FPS आते हैं। उसके बाद डायरेक्ट एस यूज़ करके देखना कि उसमें कितने FPS आते हैं, जिसमें ज़्यादा आए वही रखना, ठीक है। और ध्यान रखना ऊपर वाला चेंज मत करना ग्राफिक्स रेंडरर, उसमें भी OpenGL और डायरेक्ट एस दिया हुआ है तो उसमें सिर्फ OpenGL ही चूज़ करना है, डायरेक्ट एस नहीं चूज़ करना है। उसके बाद टेक्सचर्स की बात करें तो अगर आपका GPU ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है CPU से तो आपको हार्डवेयर डीकोडिंग चूज़ करना है, और अगर आपका CPU ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो सॉफ्टवेयर डीकोडिंग चूज़ करना है। और आपका दोनों इस वीक है मतलब लो एंड PC है तो आपको इसको डिसेबल कर देना है, ठीक है। और इसके बाद सबसे मेन स्टेप एडवांस में जाना है और शो विजुअल टैब्स ऑन कर देना है। अगर ये ऑन नहीं करोगे तो चांसेस आपके हाई FPS नहीं आएंगे, 90 से ज़्यादा FPS नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये बिना भूले इसको ऑन कर ही देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है FPS के लिए। और ब्लू स्टैक 4 में इसकी जगह कहीं पे और है तो मैं उस पर भी दिखा देता हूँ ब्लू स्टैक 4 पे ये कहाँ होता है सेटिंग। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ ब्लू स्टैक 4.2 पे और इसमें आपको जाना है सेटिंग के ऊपर। उसके बाद प्रेफरेंस में जाके नीचे स्क्रॉल करना है इनपुट डीबगिंग तक और उसमें आपको पहला ऑप्शन मिल जाएगा शो विजुअल टैब्स का, तो ये भी सेम ही काम करता है, तो इसको यहाँ पे ऑन करके सेव कर देना है। तो यहाँ पे भी विजुअल टैब्स ऑन हो जाएगा ब्लू स्टैक 4 पे। तो ये तो हो गई इम्यूनिटर सेटिंग की बात। अभी बात करते हैं विंडोज़ में कौन कौन सी सेटिंग करनी है FPS के लिए। तो यहाँ पे जाना है सर्च बार पे और टाइप करना है ग्राफिक्स सेटिंग, उसके बाद वो ओपन करना है और सबसे ऊपर यहाँ पे बार होगा एक स्लाइडर, उसको अगर ऑफ है तो ऑन कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ब्राउज करना है और अपना ब्लू स्टैक जहाँ पे भी सेव किया है आपने, इंस्टॉल किया है, वो फोल्डर में जाना है और उसके बाद उसकी exe फाइल को ऐड कर देना है। यहाँ पे नीचे ऐड का ऑप्शन है, वहाँ से ऐड कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐड हो जाएगा और वहाँ पे क्लिक करना है और ऑप्शंस पे जाना है। ऑप्शन में जाके यहाँ पे 3 बटन होंगे, वहाँ पे आपको हाई परफॉर्मेंस पे सेट करना है और फिर ओके कर देना है, और एक बार इसके बाद आपका PC रिस्टार्ट कर देना तो ये सेटिंग सेव हो जाएगी। अरे नेक्स्ट विंडो सेटिंग के लिए आपको डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करके NVIDIA कंट्रोल पैनल पे जाना है, और अगर आपको ये सेटिंग नहीं दिख रही तो शायद आपने NVIDIA GeForce Experience नहीं डाउनलोड किया है, तो उसकी ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर लेना, उसके बाद ये सेटिंग आ जाएगी आपको। और अगर आप AMD का ग्राफिक्स कार्ड यूज कर रहे हैं तो आपको भी यहाँ पे सेटिंग दिखेगी, बस नाम अलग होगा। सेटिंग्स ओपन होने के बाद आपको जाना है प्रोग्राम सेटिंग्स पे और यहाँ पे भी आपको फाइल ऐड करनी पड़ेगी exe फाइल ब्लू स्टैक्स की, जैसे आपने ग्राफिक सेटिंग में ऐड की थी, तो यहाँ पे ऐड कर लेना। और उसके बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शंस आएंगे बहुत सारे, उसमें आपको नीचे स्क्रॉल करना है और ढूंढना है प्रीफर्ड रिफ्रेश रेट, और उसके बाद उस सेटिंग को कर देना है हाईएस्ट अवेलेबल के ऊपर। फिर और नीचे जाके ढूंढना है वर्टिकल सिंक, उस सेटिंग को कर देना है ऑफ और उसके बाद अप्लाई कर देना है यहाँ पर। ये हो गई हमारी थर्ड सेटिंग, मतलब ग्राफिक सेटिंग भी कंप्लीट। अब बात करते हैं कि एडवांटेजेस क्या है FPS के, और मैं जो भी बताने वाला हूँ एकदम ऑनेस्टली बताने वाला हूँ, अगर आपको बुरा लगे या अच्छा लगे मेरे को पता नहीं, बट जो है मैं फैक्ट वही बताने वाला हूँ। पहली बात तो ये कि FPS आपको उतने ही दिखेंगे जितना हर्ट्ज का आपका मॉनिटर होगा, और मेरा है 144 हर्ट्ज का मॉनिटर,
और अगर आपको जानना है कि आपका कितना हर्ट्ज का मॉनिटर है और कहाँ दिखता है कंप्यूटर में, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो कहाँ से जान सकते हो आप लोग। आपको एक बार राइट क्लिक करना है डेस्कटॉप पे और जाना है डिस्प्ले सेटिंग के ऊपर। डिस्प्ले सेटिंग पे जाने के बाद आपको जाना है एडवांस डिस्प्ले सेटिंग पे, और यहाँ पे आपको आपके मॉनिटर के पूरे डिटेल्स दिख जाएंगे। और यहाँ पे रिफ्रेश रेट लिखा हुआ आप देख सकते हो, मेरा है 144 हर्ट्ज, और नीचे यहाँ पे मैं चेंज भी कर सकता हूँ कौन सा रखना है। तो हाईएस्ट ही रखना है, वही ऑब्वियस है, सबसे हाईएस्ट जो आपके में अवेलेबल है वही रखना। तो अभी मेरा 144 हर्ट्ज का मॉनिटर है, ठीक है। तो अभी मेरी जितनी भी उससे ऊपर FPS आएगी, 200, 300, 400 कितनी भी आएगी, मेरे को दिखेगी नहीं, मतलब आएगी बट वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि मेरे मॉनिटर में इतनी कैपेसिटी है ही नहीं कि वो 200 FPS दिखा दे, समझ रहे हो। और जहाँ तक फ्री फायर की बात है, तो फ्री फायर में मुझे लगता है तब तक 90 FPS के ऊपर जनरेट नहीं कर सकता फ्री फायर, तो मतलब उसके ऊपर जितनी भी FPS आएगी वो आपको दिखेगी नहीं, क्योंकि गेम जनरेट नहीं कर पा रहा। इम्यूलेटर में आ जाएगी, वो इम्यूलेटर की FPS दिखती है, जो आपको नीचे FPS लिखा हुआ है वो ब्लू स्टैक इम्यूलेटर की FPS है। भले उसमें 200 दिखे, 300 दिखे, पर जो अंदर गेम चल रही है, फ्री फायर चल रही है, उसमें कैपेसिटी ही नहीं है कि वो 200 FPS दिखा सके, वो जनरेट कर सके। तो अंदर तो 90 FPS ही चल रही होगी, पर नीचे लिखा होगा 200 FPS। और जो PC गेम्स होते हैं, जैसे काउंटर स्ट्राइक होगी, वेलोरेंट हो गई, पबजी हो गई, पबजी मोबाइल नहीं है, पबजी जो PC पे आती है, उन सब की बहुत ज़्यादा FPS होती है, वो जनरेट भी कर सकती है, मतलब 400 500 तक भी जनरेट कर सकती है, क्योंकि वो PC के लिए गेम है। बट फ्री फायर एक मोबाइल गेम है, वो तो एम्युलेटर पे चलाते हम लोग मोबाइल गेम PC पे, ठीक है। तो उतनी उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है कि वो 200-300 FPS जनरेट कर पाए। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला, इससे हमको क्या सीखने को मिला, कि 90 के ऊपर FPS आपकी जितनी भी आएगी फ्री फायर में, वो वेस्ट है, आपको दिखेगी नहीं। मतलब जो 90 FPS पे बंदा खेल रहा है और जो 200 FPS पे खेल रहा है, वो बंदे को दोनों को सेम ही फ्री फायर चलेगी ऐसा लग रहा है। हाँ, 60 और 90 में डिफरेंस है, वो मैं आपको क्लियरली बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने 60 FPS पे भी खेली है, 90 FPS पे भी खेली है। 90 FPS वाली ज़्यादा फास्ट है, ज़्यादा स्नैपी, ज़्यादा स्मूथ है वो, उसमें आप ज़्यादा स्मूथली हेडशॉट भी मार सकते हो, वो सब सच बात है। बट 90 के बाद आपको कितनी भी FPS आ जाए, 120, 200, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ्री फायर एकदम सेम ही चलेगी जैसे आप 90 FPS में चलती है। तो एक शो ऑफ की चीज़ है और कुछ नहीं है। अगर आपकी ज़्यादा FPS आ रही तो लोगों को लगेगा भाई बहुत अच्छी FPS आ रही है, देखने में मज़ा आएगा। बस आप मॉन्टेज बनाते हो, आप कोई वीडियो बनाते हो, तो उसमें देखने में आपको मज़ा आएगा, सामने वाले ऑडियंस को भी मज़ा आएगा कि इतनी ज़्यादा FPS आ रही है, अच्छा लगता है देखने में, बस। और कुछ नहीं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसका कोई नुकसान नहीं है, कुछ नहीं है। बस अगर आपका PC अच्छा है तो आप दिखा सकते हो ऑडियंस को कि मेरे पास अच्छा PC है, बस। और कुछ नहीं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो आप अगर बढ़ाना चाहते हो तो भी ठीक बात है, अगर आपकी नहीं बढ़ती है, आपकी 90 FPS ही रहती तो भी आपकी ऑलमोस्ट सेम ही गेम चलेगी, ऑलमोस्ट क्या, सेम ही गेम चलेगी जैसे मेरी चलती है। तो आई होप FPS के रिगार्डिंग आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे, कैसे बढ़ाते हैं, उससे क्या होता है, क्या इफेक्ट होता है, क्या सेटिंग रखनी है, और आपको कोई और वीडियो नहीं देखना पड़ेगा इस टॉपिक के ऊपर। तो अब बात करते हैं हमारे टॉप 3 क्वेश्चंस के बारे में जो लास्ट वीडियो में थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज भाई बता दो आप कौन सा रिकॉर्डर यूज करते हो। और ये क्वेश्चन इतने सारे बंदों ने पूछा है ना, पता नहीं मेरे रिकॉर्डर में क्या खास है, मुझे तो ऐसा कुछ लगता नहीं है, बट आपको जानना है तो मैं बता देता हूँ कौन सा रिकॉर्डर यूज करता हूँ। मैं NVIDIA का जो इनबिल्ट रिकॉर्डर आता है वही यूज करता हूँ, कुछ खास और ऐप नहीं है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, आपका सब मिला के कितने पैसे लगे PC बिल्ड करने में। तो जब मैंने बिल्ड किया था तब PC के पार्ट्स बहुत कम रेट में बिक रहे थे, और आजकल तो आपको पता है कि बहुत हाई प्राइस हो गए। तो आज की रेट में अगर आप मेरे जैसा PC बिल्ड करने जाओगे तो ऑलमोस्ट 2.5 लाख के आसपास हो जाएगा। तो आज का थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन है, प्लीज़ मेक अ वीडियो ट्यूटोरियल अबाउट योर 3D थंबनेल्स। तो अगर आपको ट्यूटोरियल चाहिए मेरे जैसे थंबनेल बनाने के ऊपर, तो नीचे कमेंट कर देना, अगर ज़्यादा कमेंट आते तो मैं वीडियो बना दूंगा एक। और आपको पता ही होगा कि वीडियो में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थंबनेल होता है, जितना अच्छा थंबनेल और अट्रैक्टिव थंबनेल होगा उतना आपको वीडियो पे व्यूज़ ज़्यादा आएंगे। तो अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो नीचे कमेंट करके बता देना। और इस वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी मिली है तो एक वीडियो को लाइक कर देना, एम करते हैं 2000 लाइक्स के ऊपर। और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।